Hey guys, I welcome you all on my YouTube channel guys. This is a new strategy video. आज हम एक न्यू स्ट्रेटजी वीडियो पे आए हैं. देखते हैं गाइस कि आज इस स्ट्रेटजी में मैं आप लोगों को किस तरीके से समझाता हूँ, हाउ यू गाइस कैन टेक द ट्रेड बाय यूजिंग दिस स्ट्रेटजी. ओके, तो गाइस सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट यू गाइस आर गिविंग मी ऑन द यूट्यूब एज वेल एज ऑन द टेलीग्राम. सो गाइस यहाँ पे मैं पहले एक ट्रेड ओपन कर लेता हूँ, देन आई विल डिस्कस दिस स्ट्रेटजी फर्दर. मैं आगे इस स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूँगा आपके साथ. तो यहाँ पे गाइस आप लोगों को मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, इन दिस स्ट्रेटजी वी विल यूज़ 3 इंडिकेटर्स. ओके, इस स्ट्रेटजी में हम 3 इंडिकेटर का यूज़ करने वाले हैं गाइस. पहला इंडिकेटर जो है हमारा, इट इज़ अ पैराबोलिक SAR. द सेकेंड इंडिकेटर इज़ द स्टोकास्टिक इंडिकेटर विद द डिफॉल्ट सेटिंग एंड द EMA. जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है गाइस, EMA की वैल्यू को 20 रखना है. ओके, ऑल दीज 3 इंडिकेटर यू विल गेट इन योर इंडिकेटर टैब. आपको अपने इंडिकेटर टैब पे ये ऑलरेडी मिल जाएंगे. दिस वन इज द EMA, दिस वन इज द स्टोकास्टिक इंडिकेटर, दिस वन इज द ऑक्सीलेटर, स्टोकास्टिक ऑक्सीलेटर, एंड वन मोर यू विल गेट पैराबोलिक SAR. ओके, सो गाइज लाइक दिस यू गाइज कैन यू गाइज विल गेट द 3 इंडिकेटर्स. आप लोगों को उनको अप्लाई करना है विद द डिफॉल्ट वैल्यू, उन डिफॉल्ट वैल्यू के साथ उनको अप्लाई करना है, एंड देन यू गाइज कैन स्टार्ट द ट्रेडिंग. ओके, उसके बाद आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो. यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ यू गाइज कैन टेक द सिग्नल्स. तो सबसे पहले गाइज आई कैन सी हेयर द मार्केट इज कंटिन्यूसली इज बिलो द 20 मूविंग एवरेज. आप लोग ये येलो लाइन देख पा रहे होंगे, इस येलो लाइन के नीचे है मार्केट. मार्केट आपका येलो लाइन के नीचे है, एंड जो आपका पैराबोलिक SAR है वो भी कैंडल्स के ऊपर है, एंड जो स्टोकास्टिक इंडिकेटर है इट इज़ बिलो द 20 लेवल. यहाँ पे आप देख पा रहे हैं स्टोकास्टिक इज़ बिलो द 20 लेवल. जो आपका पैराबोलिक है SAR के जो डॉट्स दिख रहे हैं आपको पिंक वाले, इट इज़ अबव द कैंडल्स एंड द मार्केट इज बिलो द 20 EMA. 20. It means all these 3 indicators are giving the signal for the downtrend. ये तीनों के तीनों इंडिकेटर हमें downtrend का सिग्नल दे रहे हैं. That's why I have taken a trade in the downward direction. Let's see what will happen with this trade. यहाँ पे trade के साथ क्या होता है guys? यहाँ मैं one more trade I will open here with the 2 minute. यहाँ मैंने एक और trade open किया है guys 2 minute का in the downward direction by using the same signals. मेरे को वापस से उन्हीं signals को देख के मैंने एक और trade open किया है. Let's see what will be the result of this signal. जो हमने पुराना ट्रेड था वो हमने विन किया है गाइस, यू गाइस कैन सी. ओके, लेट्स सी द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेड. एज यू गाइस कैन सी द मार्केट इज कंटिन्यूसली मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में था गाइस, तो हमारा ट्रेंड डाउनवर्ड है. ट्रेंड को फिल्टर करने के लिए गाइस हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है EMA को. 20 मूविंग एवरेज को मैंने यहाँ यूज़ किया है. 20 मूविंग एवरेज के थ्रू यू गाइस कैन सी द मार्केट इज बिलो द 20 मूविंग एवरेज. ओके, एंड जो पैराबोलिक SAR है इट इज़ अबव द कैंडल्स. पैराबोलिक जो आपकी SAR होती है अगर वो कैंडल के ऊपर है, इट मीन्स इट इज़ गिविंग द सिग्नल फॉर द डाउन डायरेक्शन. इसका मतलब होता है कि वो आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन का सिग्नल दे रही है. एंड ऑल्सो जो स्टोकास्टिक आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइज, इट इज़ बिलो द 20 लेवल. ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से हमने यहाँ पे ट्रेड ओपन किया था. जो इसके पहले ट्रेड ओपन किया था वो हमने विन किया है. ये ट्रेड हमारा जो चल रहा है, लेट्स सी व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ दिस ट्रेड. देखते हैं इस ट्रेड का क्या रिजल्ट होता है. It is very very close, and yes, it is going in the downward direction. You guys can see. See guys, market के अगर आप trend के direction में trade लोगे, then there is a high possibility to win the trade. Okay? See guys, the market is going downward direction. तो यहाँ पे guys मुझे 3 confirmation क्या क्या मिले वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ. Okay? पहला confirmation guys क्या था? ओ, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज. सी गाइज, अगर आपका 1 pip 2 pip लॉस होता है तो वी कॉन्ट डू एनी थिंग फॉर दैट. हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं. चलिए कोई बात नहीं, मैं इस ट्रेड को ख़त्म करते हुए आगे चलते हैं. यहाँ 1 pip लॉस हुआ है. ओके, okay.
यहाँ वेट करेंगे। वेट करेंगे गाइस, स्टिल वी हैव द सेम कंफर्मेशन, सो लेट्स टेक अ ट्रेड फॉर 1 मिनट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ मैंने 1 मिनट का ट्रेड लिया डाउनवर्ड डायरेक्शन में गाइस। लेट्स सी वी हैव द सेम कंफर्मेशन हियर, बट देयर इज अ कंसोलिडेशन गाइज। यहाँ पे क्या हो चुका है, मार्केट ने कंसोलिडेशन में आ चुका है। इट मीन्स द मार्केट इज नॉट मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज अ कंसोलिडेशन फेस। कंसोलिडेशन फेस में गाइज आप लोगों को रुक जाना है, ओके। यहाँ पे अगर लॉस होता है तो हम रुक जाएंगे। रुकने के बाद हम एक वेट करेंगे, एक फ्लो का, ओके। वेट करेंगे हम यहाँ पे। ओके, लेट्स वेट हियर, डू नॉट वरी अबाउट इट, ओके। सबसे पहले ये सीखना चाहिए कि कई बार स्ट्रेटेजी फेल हो भी जाती है तो कोई बात नहीं, वी हैव द मनी मैनेजमेंट टू कंपनसेट द लॉस। यस, इट इज गोइंग इन द अपर डायरेक्शन। वेट करेंगे हम गाइज यहाँ पे कि वापस से मार्केट उस 20 मूविंग एवरेज से नीचे आए, ओके। क्योंकि यहाँ स्टोकास्टिक जो हमें साइन दे रहा है वो ये सिग्नल दे रहा है कि द मार्केट विल गो इन द अपर डायरेक्शन, बट वी विल नॉट टेक दैट कंफर्मेशन बिकॉज इट इज अ रॉन्ग सिग्नल। अब हमें यहाँ पे दो सिग्नल्स चाहिए गाइस, पहला सॉरी तीन सिग्नल्स चाहिए कि जो आप येलो डॉट देख रहे हैं, ये जो येलो डॉट है, दिस येलो डॉट शुड बी बिलो द कैंडल, वो कैंडल के नीचे होनी चाहिए, एंड जो मार्केट है वो येलो लाइन के ऊपर होना चाहिए, ओके। अगर ऐसा होता है देन इट मीन्स देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी ऑफ द मार्केट टू गो इन द अप डायरेक्शन। वेट करेंगे हम। सी गाइस, ऐसा लग नहीं रहा है बिकॉज इट इज अ रिजेक्शन फ्रॉम द 20 मूविंग एवरेज से रिजेक्शन मिला है, सो वी विल प्लेस अ ट्रेड फॉर 2 मिनट इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। यहाँ पे 2 मिनट का डाउनवर्ड डायरेक्शन का मैंने ट्रेड प्लेस किया है बिकॉज यहाँ हमें दो कन्फर्मेशन मिल रहे थे डाउनवर्ड डायरेक्शन के लिए। द फर्स्ट कन्फर्मेशन वॉज द पिंक जो डॉट्स हैं आपके, जो पैराबोलिक SAR के डॉट्स हैं, इट इज़ अबव द कैंडल्स, एंड ऑल्सो द मार्केट गॉट द रिजेक्शन फ्रॉम द येलो लाइन, ओके। येलो लाइन से मार्केट को रिजेक्शन भी मिला था, ओके। सो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि मार्केट क्या होता है यहाँ पे मार्केट के साथ, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस हैं दैट देयर विल बी अ डाउन ट्रेंड अगेन। ओके, मार्केट आई थिंक हैज चेंज इट्स मूड एंड यस इट विल गो अप। ये मुझे डबल अमाउंट का ट्रेड ले रहा हूँ मैं, सो जिससे कि पुराना लॉस कंपनसेट हो जाए। 2 मिनट का मैंने ट्रेड लिया है इन द अपर डायरेक्शन, ओके यस, क्योंकि यहाँ मुझे सारे कंफर्मेशन मिल गए थे अपर डायरेक्शन के, दैट्स व्हाई आई वाज वेरी मच श्योर अबाउट द ट्रेड, इसीलिए मैंने वहाँ पे ट्रेड लिया। देखो गाइस क्या क्या कंफर्मेशन मिल गया मुझे, कि जो कैंडल है गाइस इसने ब्रेक कर दिया था द लेवल ऑफ येलो लाइन को ब्रेक कर दिया। पैराबोलिक SAR, यू गाइस कैन सी हियर द पैराबोलिक SAR डॉट इज बिलो द कैंडल, इस डॉट को आप देख सकते हो, एंड द स्टोकास्टिक इज ऑल्सो अबव द 20 लेवल, 20 लेवल के ऊपर बहुत ही शार्पली आ चुका है, सो देयर इज अ ह्यूज चांसेस टू गो इन द अपर डायरेक्शन नाउ। तो अब यहाँ पे ह्यूज चांस है मार्केट के अप डायरेक्शन जाने के, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन द ट्रेड इन द अपर डायरेक्शन। लेट्स सी व्हाट विल हैपन हियर, यहाँ पे क्या होता है हम देखेंगे। देयर इज अ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस ऑफ द मार्केट टू गो इन द अपर डायरेक्शन। लेट्स वेट एंड वी विल सी द रिजल्ट। Yes, let's wait.
वी हैव टाइम, अभी टाइम हमारे पास 43 सेकेंड्स वी हैव हियर। द टू साइंस इट इज ट्राइंग टू मूव इन द अपर डायरेक्शन, मार्केट ट्राई कर रहा है गाइज, लेट्स वेट क्या होता है। देयर इज अ हाई चांसेस, यस इट इज ट्राइंग, यस इट इज ट्राइंग टू मूव इन द अपर डायरेक्शन, यस yeah, we have profit, and yes, we have profit, lots of profit here. So guys, आपने देखा कि यहाँ पे मैं अपने कन्फर्मेशन पे स्टिक रहा एंड आई गॉट द प्रॉफिट। ओके, आप लोगों के साथ ये मैं लाइव ट्रेडिंग करता हूँ, कोई भी एडिटेड वीडियो नहीं होता है कि मैं आप लोगों को अपना लॉस ना दिखाऊं। मैंने ये जो ट्रेड्स लिए थे वो मैंने डबल अमाउंट के सोच के लिया, जिससे कि मैं अपना पुराना लॉस रिकवर कर सकूं। यू गाइस कैन सी दीज ट्रेड्स, ओके। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ट्रेड्स लिए थे। नाउ अगेन यू गाइस विल सी कि मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ। अब हम देखेंगे यहाँ पे कि अब यहाँ पे क्या हो रहा है गाइस। यहाँ पे गाइस हमने देखा कि मार्केट जो था वो मूव करने लगा था अपवर्ड डायरेक्शन में, बिकॉज जो हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिल रहे थे, पैराबोलिक एसआर इज बिलो द कैंडल्स एंड द मार्केट वाज अबव द 20 ईएमए एंड ऑल्सो द स्टोकास्टिक इज अबव द 20 लेवल। तो हमें यहाँ पे जो तीनों सिग्नल्स मिले थे गाइज इन द प्रीवियस ट्रेड के लिए जो हमें तीनों सिग्नल्स मिले थे वो सारे के सारे हमें कन्फर्मेशन दे रहे थे अप डायरेक्शन ट्रेड का। दैट्स वाई आई हैव टेकन द ट्रेड इन द अप डायरेक्शन एंड आई हैव वॉन ऑल द ट्रेड्स। मैंने आपको पहले ही बता दिया था आई विल विन ऑल दीज ट्रेड्स, ओके। अब मैं यहाँ पे गाइज वापस से देख पा रहा हूँ कि मार्केट इज अगेन ट्राइंग टू कम इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, मार्केट वापस से ट्राई कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में आने का, ओके। बट वी आर नॉट गेटिंग एनी टाइप ऑफ सिग्नल, हमें यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है, हमें सिर्फ एक सिग्नल मिल रहा है दैट द मार्केट इज इन द डाउन ट्रेंड, कि मार्केट यहाँ पे डाउन ट्रेंड में है, एक हमें ये सिग्नल मिल रहा है। और दूसरा हमें मिल रहा है कि मार्केट इज ट्राइंग टू कट द 20 मूविंग एवरेज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, कि मार्केट जो है 20 मूविंग एवरेज को डाउनवर्ड डायरेक्शन में कट करने का कोशिश कर रहा है। वी हैव ओनली टू कन्फर्मेशन विच आर नॉट रिलेटेड टू अवर स्ट्रेटजी, जो कि हमारी स्ट्रेटजी के रिलेटेड नहीं है। सो वी विल नॉट टेक एनी ट्रेड हेयर, हम यहाँ पे कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। लेट मी शो यू सम प्रीवियस एग्जाम्पल्स। You guys can see at this point, मार्केट ने यहाँ गाइज 20 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया था डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आपने यहाँ से नहीं, इस पॉइंट से आपने अगर ट्रेड लिया होता इस पॉइंट से जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, सो मार्केट इज कंटिन्यूसली मूविंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो हमें दो सिग्नल मिल रहे थे, द फर्स्ट सिग्नल वॉज द पैराबोलिक एसआर इज अबव द कैंडल्स, पैराबोलिक एफसीआर के जो डॉट्स थे वो कैंडल के ऊपर थे। सेकंड कंफर्मेशन जो आपको मिल रहा था कि जो मार्केट में कैंडल्स हैं इट इज़ बिलो द 20 मूविंग एवरेज। और थर्ड कंफर्मेशन जो आपको मिल रहा था गाइस वो ये था कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि स्टोकास्टिक इज बिलो द 20 लेवल। इट मीन्स ऑल दीज थ्री कन्फर्मेशन इज फॉर द डाउनवर्ड डायरेक्शन ट्रेड, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन के ट्रेड के थे, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस मैं कुछ और ट्रेड ओपन करने वाला हूँ, यू विल सी, यू विल सी हेयर। मैं यहाँ पे एक अप डायरेक्शन का ट्रेड ओपन करने वाला हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों ऐसा मैंने किया। यहाँ पे गाइज आप लोग देख सकते हैं कि कैंडल इज अबव द 20 मूविंग एवरेज, पैराबोलिक एसआर इज बिलो द कैंडल्स एंड स्टोकास्टिक इज अबव इज नियर टू द 80 लेवल, इट इज ऑल्सो अबव द 80 लेवल, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा गाइज, मैं यहाँ 2 मिनट का ट्रेड लूंगा अपवर डायरेक्शन का। मैंने यहाँ 2 मिनट का अपवर डायरेक्शन का ट्रेड लिया है और मैं यहाँ पे गाइस थोड़ा सा अमाउंट बढ़ा लूँगा। और मैंने एक और ट्रेड लिया है अपवर्ड डायरेक्शन का और मैं यहाँ पे देखते हैं हम कि ये दोनों ट्रेडों के साथ हमारे क्या होता है। इट इज ट्राइंग टू मूव इन द अपर डायरेक्शन, हमारे पास 3 कन्फर्मेशन है यहाँ पे गाइस।
The first confirmation is the candles is above the yellow line. Second confirmation is the parabolic SAR is below the candle, and the third confirmation is stochastic is above the AT level. ये तीन confirmation के साथ हम यहाँ पे up direction का trade ले चुके हैं. The volume is very less and yes, the market is moving in the upward direction. Market move कर रहा है upward direction में. And there is a huge chances to win this trade. Chances हैं यहाँ पे हमारे winning के. Let's wait. Okay. So you guys can see this point. At this point we have taken the trade. So यहाँ पे हमारे पास जो confirmation थे guys, उन confirmation के accordingly हमने यहाँ trade लिया है. और अगर हम अपने active trade देखेंगे तो we have 30 seconds and 40 seconds timing remain. यहाँ पे मार्केट इज ट्राइंग टू मूव इन द अपर डायरेक्शन. यू गाइस कैन सी मार्केट ट्राई कर रहा है ऊपर जाने की. एंड वेरी सून वी विल विन दिस ट्रेड. एंड यस इट इज गोइंग इन द अपर डायरेक्शन एंड वी विल गेट अ गुड प्रॉफिट वेरी सून. हमें बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है. यस द मार्केट इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन एंड हियर वी हैव द प्रॉफिट एंड वन मोर प्रॉफिट इज कमिंग. And yes, we have one more profit here. Okay, so guys, हमें यहाँ पे फिर से profit हुआ. तो इस तरीके से guys, you can see we have won many trades. हमने काफ़ी ज़्यादा trades यहाँ win किए by using this strategy. जो ये strategy हमने use की है, तो like this you guys can also use this strategy. बस market में हमेशा trend होना चाहिए. You guys can see where I have taken the trade and why I have taken the trade. मैं आपको बता देता हूँ. ये मैंने यहाँ पे लिया था एंड $350 ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था. ओके, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइज, यहाँ पे मैंने ये ट्रेड लिया था. थोड़ा सा जूम करूँगा सो दैट यू कैन ईजली सी. ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं गाइज, द मार्केट कि जो कैंडल थी, मैंने आपको क्या बोला, जब भी आपको अप डायरेक्शन का ट्रेड लेना है तो सबसे पहले देखना है कि जो आपका मार्केट है, मतलब जो कैंडल्स हैं, इट शुड बी अबव द येलो लाइन. ओके, विच इज 20 मूविंग एवरेज. ये 20 मूविंग एवरेज है जिसके ऊपर आपका मार्केट होना चाहिए. सो यहाँ पे हमारे पास जो कैंडल थी वो 20 मूविंग एवरेज के ऊपर थी. जो पैराबोलिक एसआर के आप ये डॉट्स देख पा रहे हो, द पिंक डॉट्स, इट इज ऑल्सो बिलो द कैंडल्स. ये भी आपकी कैंडल के नीचे थे. अप डायरेक्शन ट्रेड के लिए ये कंपलसरी कंडीशन है. एंड जो आप स्टोकास्टिक देख सकते हो, स्टोकास्टिक वॉज अबव द 80 लेवल. इट मीन्स इट विल स्टे फॉर सम टाइम एंड यू गाइज कैन सी द मार्केट इज स्टिल इन द अप ट्रेंड. अभी भी मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में है. सो लाइक दीज थ्री कन्फर्मेशन, इन तीन कन्फर्मेशन के कारण ही मैंने यहाँ पे गाइज अप डायरेक्शन का ट्रेड लिया था. दिस वन वॉज माई फर्स्ट कन्फर्मेशन, दिस वन वॉज माई सेकेंड कन्फर्मेशन एंड दिस वन वॉज माई थर्ड कन्फर्मेशन. बाई यूजिंग थ्री कन्फर्मेशन आई हैव टेकन द ट्रेड इन द अपवर्ड डायरेक्शन. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू द डाउनवर्ड डायरेक्शन कंडीशंस. तो इस तरीके से गाइज आप लोग भी प्रॉफिट बना सकते हो. अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल को. अगर आपने वीआईपी सेशन में ज्वाइन नहीं हुए हो टेलीग्राम पे तो जाओ, मुझे पर्सनली डीएम करो ऑन द टेलीग्राम एंड आई विल ऐड यू ऑन द वीआईपी ग्रुप. और गाइज हम अभी का प्रॉफिट देखने वाले हैं कि हमें आज इसमें कितना प्रॉफिट हुआ है. सो मुझे यहाँ पे लॉस हुआ था. कहाँ से लॉस हुआ था? ओके, दिस वन वॉज माई लास्ट ट्रेड, $350. सो लेट मी कैलकुलेट, कैलकुलेट करते हैं गाइज हम. उसके बाद मैं आपको एक और चीज़ बताने वाला हूँ. सो स्टे ट्यून, वीडियो अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वीडियो पूरा देखना. ओके, तो यहाँ पे मुझे $350 का एक प्रॉफिट ये हुआ है. बाकी लॉस हुए हैं कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, $3500 का लॉस भी हुआ था. तो हम उसको कैलकुलेट करते हैं पूरा. 3500 जो है ये हमारा लॉस है. ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे. और विन कितना हुआ हमें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. बहुत ज़्यादा विन हुए हैं गाइज,
10, 11, ओके 11 विन हुए हैं, 12 सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस हम कैलकुलेट करते हैं इसको, 11 इंटू 350 इंटू 0.82 हमें रिटर्न मिला हुआ है, तो 3157, और हमें लॉस हुए थे 3500, और हमें एक और प्रॉफिट मिला है $500 से, तो वो हमारे को हो गया 410 प्लस 410 एंड वी हैव द प्रॉफिट ऑफ $67 राइट नाउ। लेट्स मूव, हम यहाँ मूव करते हैं, ओके okay? इस तरीके से गाइज आप लोग ट्रेडिंग कर सकते हो। मैं यहाँ पे गाइज इस फ्लो में थोड़े से ट्रेड लेना चाहूँगा आफ्टर दिस कैंडल, मैं इस फ्लो का फ़ायदा लेते हुए, यहाँ मैंने देखा कि यहाँ से रिजेक्शन हुआ है, यहाँ से मार्केट में रिजेक्शन हुआ है गाइज, ओके okay? इस रिजेक्शन में देखते हैं क्या होता है, मार्केट हैज़ गॉट द रिजेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट, देखो यहाँ पे वापस से रिजेक्शन हुआ है गाइज। तो मैंने आपको स्ट्रेटेजी समझा दी है गाइज, लाइक दिस यू गाइज कैन टेक द ट्रेड, इस तरीके से आप लोग ट्रेड ले सकते हो, ओके okay? यहाँ पे मैंने $500 के ट्रेड प्लेस किए हुए हैं, लेट्स सी एंड यस, देखते हैं यहाँ क्या होता है। यस द मार्केट इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, सी गाइस द मार्केट इज मूविंग इन द अपर डायरेक्शन एंड वेरी सून वी विल विन दिस ट्रेड, ये दोनों ट्रेड हमें विन होंगे। मैंने यहाँ पे भी हमारी स्ट्रेटजी पे स्टिक रहा गाइस, कि जो हमारा मार्केट है वो कंटिन्यूसली अप डायरेक्शन में था, पैराबोलिक एस सी आर इज बिलो द कैंडल्स एंड मार्केट इज अबव द ई एम ए एंड ऑल्सो स्टोकास्टिक इज अबव द 80 लेवल, तो 80 लेवल के ऊपर था, सो दिस ट्रेड विल गिव अस अ प्रॉफिट। सो हेयर वी विल क्लोज दिस सेशन वेरी सून। देखो गाइज मैंने आपको यहाँ पर समझाया कि किस तरीके से आप लोग ट्रेड ले सकते हो, किस तरीके से, सी गाइज द मार्केट इज कंटिन्यूसली मूविंग इन द अपर डायरेक्शन, मार्केट इज ब्रोकन द सब रजिस्टेंस एंड यस वी हैव द प्रॉफिट हेयर। तो हमारे पास वो कितना टोटल प्रॉफिट होता है गाइज, वो $60 एंड सॉरी लेट्स चेक आउट द प्रॉफिट, ये दोनों का हुआ हमारे पास $820 प्लस 60 मतलब $880 का प्रॉफिट, सो वी हैव द प्रॉफिट ऑफ $880 ओवर हियर। सो इस में भी मुझे प्रॉफिट हुआ। इस तरीके से गाइस आपने देखा कि इस जो स्ट्रेटजी है इसने कितना परफेक्टली वर्क किया है गाइस, और इस स्ट्रेटजी से हमें कितने परफेक्ट रिजल्ट मिले हैं गाइस। तो इस तरीके से आप लोग भी ट्रेडिंग कर सकते हो, इस तरीके से आप लोग भी प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। जो बीच में कुछ ट्रेड लॉस होते भी हैं वो डजंट मैटर, बिकॉज इन द ओवरऑल वी विल सी द रिजल्ट, नॉट वी विल सी अ पर्टिकुलर ट्रेड रिजल्ट, हम हमेशा ओवरऑल रिजल्ट देते हैं। और उस पर हमें ये देखा कि यहाँ पर हमने ओनली और सिर्फ दो ट्रेड ही लॉस किए, जिसमें मैंने ज़्यादा $350 इन्वेस्ट किए थे, और बाकी सारी ट्रेड्स हमने यहाँ विन किए। और सारा का सारा प्रोसीजर मैंने आपको बताया कि क्या कंडीशन थी अप डायरेक्शन ट्रेड के लिए, क्या कंडीशन थी डाउनवर्ड डायरेक्शन ट्रेड के लिए। सो लाइक दिस यू गाइज कैन टेक द ट्रेड एंड अर्न द मनी फ्रॉम द ओलम ट्रेड। सो गाइज आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। आई हैव गॉट अ प्रॉफिट ऑफ $880 विच इज़ अ ह्यूज प्रॉफिट, ओके, जो कि बड़ा प्रॉफिट है। द मेन थिंग वी ऑलवेज हैव टू कवर अवर लॉसेज एंड ऑलवेज अर्न अ कंसिस्टेंट प्रॉफिट, जो कि आप लोगों को मिलता है VIP सेशन पे। तो आप चाहो मुझे पर्सनली सब ज्वाइन करो ऑन द टेलीग्राम का लिंक आपको फ्लैश कर रहा होगा, मुझे पर्सनली मैसेज करो एंड आई विल एड यू ऑन द VIP ग्रुप। सो टेक केयर गाइज, आई विल मीट यू ऑन द VIP सेशन ऑन टेलीग्राम, जस्ट पिंग मी देयर, ओके। सो टेक केयर गाइज,